आप बोलिए से कसाई लग नहीं रहा है। अरे जनाब मैं कोई गली का कसाई नहीं हूँ, खानदानी कसाई हूँ, खानदानी। घर दामाद कम थे, घर कसाई भी रख लिए। ये बहुत खतरनाक कसाई है। क्यों, क्या ये बम मार के जानवर जीवा करता है? तो रंग ढंगी बदल गए। अबे ओ रसगुल्ले, अबे अपुन की तो यही पहचान है। ए दफा ऑर्डर मिल गया अपुन यू स्टाइल चेंज करता बाबे यू। मुझे तो मिसेस सलीम के जानवर से ज्यादा अच्छा जानवर चाहिए कुर्बानी के लिए। आखिर को ये हमारे खानदानी वकार का मसला है। मुबारक हो भाई, 2 लाख में सौदा डन। 2 लाख में? हाँ ना मैडम, बकरा भी ना मुगलों के दौर का खानदानी खानदानी। गार्डन में जाके बांधो, मैं जाके बेगम को सरप्राइज देता हूँ कि बकरा आ गया। उस बकरे को मैंने तैयार किया। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ससुर जी जाएं, जाएं। अब तो सबको पता चलेगा कि बकरे को आपने तैयार किया है। गुलाम, क्या क्या हो गया? क्या अब तुम्हारी कुर्बानी होगी इस बकरे के साथ। आपने तो मेरा तमाशा बना के रख दिया है। हाँ, आपने ही तो कहा था कि बकरा ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखते ही लोग समझ जाएं कि ये तानी बेगम का बकरा। इसलिए उसके गले में आपने मेरी तस्वीर लटका दी। बेगम, बकरा भी तो 2 लाख का है ना। अगर आपकी जगह मैं होता ना तो मैं बकरे के गले में खुद लटक जाता। अरे मेरे गले में लटके हुए इतने सालों से अभी तक सुकून नहीं मिला। अच्छा खैर छोड़ दे, मुझे माफ कर दे बेगम। अभी बताएं कि अब ऐसा क्या करना चाहिए कि बकरे को देखते ही लोग समझ जाएं कि ये तानी बेगम का बकरा है। अपनी अकल कभी इस्तेमाल ना करना, हर बात मुझसे पूछना। रुकिए अभी बताती हूँ क्या करना है। ये लीजिए, ये पहनाइए बकरे के गले में। बेगम ये तो सोने का हार लग रहा है। मुझे भी लगता है, सिर्फ ये एक हार ही मिला था आपके घर वालों की तरफ से मुझे शादी में। तो बेगम आप ये सोने का हार बकरे के गले में लटकाएंगी? हाँ, यही पहचान होगी बकरे की। अरे कौन सोने का हार अपने बकरे के गले में डालता है? लोग सोने का हार बकरे के गले में देखते ही पहचान जाएंगे कि ये तानी बेगम का बकरा है। और फिर वैसे भी कुर्बानी होता ही हम उतार लेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। चले कहाँ? बकरे की और सोने के हार की हिफाजत आप करेंगे। मैं? जी जी। किस किस की हिफाजत करूं मैं? किस किस की? क्या कहा? नहीं नहीं मैं मतलब आप जिस जिस की कहेंगी उसकी हिफाजत मैं करूं। चलिए जाइए फौरन और वहां ही बैठे रहिएगा। ठीक ठीक वही बकरे के पास। हद हो गई, नाकारा होते जा रहे हैं। बताओ भला, मेरी तस्वीर लटका दी बकरे के गले में। खाना खा खा ये ले। अरे तेरी किस्मत। ससुर जी, मैं ये सोच रहा था काश मैं ही बकरा होता तो ये सोने का हार मेरा होता। फिर ईद के दिन छुरी भी तेरे ही गले पे होती। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरी तो कुर्बानी हो जाती। लगता है मुजम्मिल आ गया, मैं भी आया। अबे क्या कहा कि मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरे पत्थर, मेरा दिल का टुकड़ा। बेटा तू कितना कमजोर हो गया है। बेटा लड्डू, तेरे हिस्से का खाना भी ये गुलाम खा जाता होगा। अब बराबर हो जाएगा। अब आप आ गए ना, मैंने इनके हिस्से का खाना खाया, अब आप पूरे घर के हिस्से का खाना खा जाएंगे। कंजूस इंसान, मैं तुम्हारी शिकायत तानी बेगम से करूंगा। अरे छोड़े ना, आप तो बुरा मान गए। आप आए ना, ये बकरा देखे ना बकरा। अब्बा ये बड़ा खास बकरा है, मम्मी हुजूर ने पूरे 2 लाख रुपए दे के खरीदा है। 2 लाख का? तो बाकी का बकरा? अब्बा यही पूरा बकरा। यही पूरा बकरा है तो बाकी की रकम कहाँ है? और ये क्या, इसके गले में ये क्या है? ये तानी बेगम की निशानी। क्या? तानी बेगम की निशानी? आए 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 आए, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मैं बेरा क्यों हो गया? तानी बेगम चली गई मैं छोड़ के। ना 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 बजी ना, ऐसा कुछ नहीं है।
माशाल्लाह अम्मी हुजूर बिल्कुल हयात हैं। ये हार उन्होंने बकरे के गले में इसलिए डाला है ताकि वो इस सोसाइटी में अपना नाम और ऊंचा कर सकें। अच्छा अच्छा, मैं तो समझा कहानी बेगम चली गई। अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ। अरे आपने अभी हमारे किस्से तो सुने ही नहीं है। एक दफा ऑस्ट्रेलिया में हम जा रहे थे, हमने देखा बैल भाग रहा है, पता चला किसका, वजीर आजम का, $10,00,000 का था। और पीछे से आवाजें आती, भाग गया भाग गया भाग गया, आ गया आ गया, लो जी हम आ गए। तानी बेगम हम आ गए। तानी बेगम हमने सुना है आपने खानदानी बकरा खरीदा है। सिर्फ सुना है, आप देख भी सकते हैं। अरे कैसी बातें कर रही है आप, देखता हूँ आ रहा हूँ। उसके गले में आपकी खानदानी निशानी भी है। मैं उसी वक्त समझ गया भाई, हो ना हो ये तानी बेगम का ही बकरा हो सकता है। हाँ, वाकई। आपके गुलाम की कसम। क्या मामा, आप मेरा भी एक हार डाल देते ना उसके गले में। बस बस, तुम्हारा हार लड्डू के गले में ही काफी है। एक काम और अच्छा हो गया तानी बेगम, खानदानी बकरे के साथ साथ खानदानी कसाई भी मिल गया आपको। हाँ ये तो है। आपको पता है अम्मी जान ने अपने सामने मुंतखब किया है उसे, आप मिल भी सकते हैं। है? इनसे? ये कसाई है? नहीं, माशरती उलूम का प्रोफेसर हूँ, पढ़ाऊ नहीं। पहले वाली बात तो मानूंगा, दूसरी बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो, हाँ हाँ आजा आजा, डायरेक्ट ऊपर आजा, कोई टेंशन नहीं है। ओके कौन है? असिस्टेंट है मेरा। आपका भी असिस्टेंट, वाह वाह। कभी गुरूर नहीं किया हमने उस्ताद। अबे यार इससे तो तेरी बकरे बड़े होते हैं। एक बात बताओ, क्या वाकई तुम कसाई हो? होलिया से तो नहीं लगते। होलिया से तो आप भी शरीफ नहीं लगते, तानी बेगम के मेहमान हैं, तभी बर्दाश्त कर रहे हैं आपको। घर दामाद। अरे क्या बकवास कर रहा है वो खानदानी, बल्कि दूर से कहीं कसाई भी नहीं लग रहा। अब्बा सच्ची कह रहा हूँ, बड़ा खानदानी कसाई है, एक नंबर। दुनिया भर के ममालिक में जाके जानवर ज़बह किए उसने, क्या गाय क्या भैंस क्या बकरे। अबे तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे वर्ल्ड टूर पे इसके साथ जा रहा हो। खानदानी कसाई है। और बात सुन, ये गुलाम कहाँ चला गया हमें बकरे की चौकीदारी छोड़कर? किचन में बर्तन धो रहा होगा। खैरियत? ओह यार, असल में किचन भी देखना पड़ता है ना भाई, ये ढेर लगवा था बर्तनों का। बर्तन धो रहा था। अरे भाई कल सुबह तो मैं आ ही नहीं सकता हूँ, पहले सुबह बकरा कटेगा, इसके बाद मैं कसाई के हाथ काट करके आऊंगा। अरे भाई यहाँ का दस्तूर है, बकरा कसाई काटता है और मैं हाथ काटता हूँ। हाँ बस, मैं जैसे ही उसके हाथ काटूंगा फिर सीधा तुम्हारे पास आऊंगा, समझ गए? यार ये बकरा नहीं हो गया, मेरा सुसर हो गया। क्या मतलब सुसर जी? अरे यार जब मेरे सुसर बीमार हुए थे और आखिरी सांसें ले रहे थे ना अस्पताल में, तो मेरी बेगम ने उनकी निगरानी के लिए मुझे तैनात किया था। सुसर जी मैं काम करता हूँ, मैं तकिया और चादर आपको यहीं ला देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपको रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। ये जो मोटे मोटे मच्छर है ना, ये बकरे को लेके जाए या ना जाए आपको जरूर ले जाएंगे। यार गड्डू कुछ कर यार, सारी रात नहीं गुजार सकता मैं यहाँ। हाँ तो एक काम करते हैं, आप इसको अपने साथ अपने कमरे में ले जाइए और अपने बिस्तर में सुला दीजिए। देख बात सुन, बेगम इजाजत दे देंगी इस बात की, लेकिन मैं सारी जिंदगी फिर बाहर सोऊंगा। ये तो बड़ी मुश्किल है। आइडिया ससुर जी,
मुजम्मिल को बुला लेते, कैसा? अरे बेहतरीन आइडिया यार, बुला मुजम्मिल को बुला। लेकिन वो पैसे लेगा इस काम के? हाँ अबे हाँ तो दे देंगे ना पैसे यार, हिफाजत तो कर लेगा ना ये बकरे की और सोने के हार की। अपनी जान से बढ़ के हिफाजत करेगा? तो बुला ले यार, बुला ले। हाँ मैं भी फोन मिलाता हूँ। अरे यार, अरे कहाँ पैर यार। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। लड्डू तुमको कई बार मैंने मना किया ऐसी हरकत करने को। यार मजाक नहीं करो आपस में, मेरी बात सुनो गौर से। देखो मुजम्मिल, इस बकरे और इस सोने के हार की हिफाजत करनी है तुमने अपनी जान से ज्यादा। आप भी सुसु जी, मुजम्मिल ना पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, पर इसके पैसे डबल लगेंगे। क्यों 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 डबल क्यों? भाई सोने के पैसे अलग होते ना। अबे यार सोना नहीं है, जागना है, जाग कर इसकी हिफाजत करनी है भाई। अरे अंकल मैं इसके गले में जो पड़ा हार है ना, उस सोना उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ तो वो बकरे के साथ है ना, पैदाइशी है, हमने डाला है भाई। हाँ तो भी ठीक है, वो पैसे होंगे, नकद होंगे और वो आप लोग देंगे। हाँ हाँ ठीक है दूंगा, लेकिन एक बात है मुजम्मिल, देखो बेगम को इस बात का पता ना चले कि इसकी हिफाजत पर मैं नहीं तुम थे रात भर। ठीक है, फिर इसके पैसे अलग से लगेंगे। इसके भी अलग लगेंगे? अच्छा खैर ठीक है, फिक्र नहीं कर, तुझे इतने पैसे दूंगा तेरी तबीयत खुश हो जाएगी। हैं कितने देंगे? पूरे 10 रुपए। मैं तो अमीर हो गया। ठीक है, बेफिक्र है अंकल, बेफिक्र है। बस अजी यार ये सब खरीद तो है ना? हाँ हाँ सब खरीद है। बात सुनिए, काम कर। हाँ। तू जा और जाके ना वो लड्डू के अब्बा को तो बुला के ला। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने निकाल नजर लग गया। हाँ। अबे चल, आपको सर ने बुला रहे। ठीक है तू जा, मैं आ रहा हूं। लगता है पी निशाने पे लग गया है। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं मत गा मत गा, डर लग जाएगी नहीं गा। जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालुमा। ओ अरे यार ससुर जी। कहाँ जा रहे हैं ससुर जी? वो अरे हाँ यार ये तो याद ही नहीं रहा मुझे यार। आप एक काम करें, यहीं पे लंबे लेट जाएं, आराम करें। हाँ चलो ठीक है यार, ये भी अच्छी एक बात बताई तुमने यार, बहुत अच्छी बताई। चलो यार अच्छी नींद आई है यहाँ पे आप? सही सही। हाँ आराम करें। हाय हाय हाय, अरे यार कैसा मजा आया सोफे पे बैठ के। चलो भाई। थक गया यार इस बकरे ने। वो ना आप कुछ फोन पे बात कर रहे थे? नहीं नहीं आपको गलत फहमी है। नहीं नहीं मेरी कोई गलत फहमी नहीं है। आपके हाथ में ना छुरी थी और आप कुछ हाथ काटने की बात कर रहे थे। कुछ पूरे हाथ काटने की बात कर रहा था। क्या कह रहे हैं ये आप? लेकिन मैं ये बात नहीं बताऊंगा इस बच्चे के सामने। ये बच्चा नहीं है, ये पूरा है। पूरा है फिर तो मैं बिल्कुल बात नहीं बताऊंगा। निकल निकल यहां से, निकल यहां से जल्दी। अंकल भाई दाद देनी चाहिए तुम्हारी हिम्मत की। तुम्हें पता है इस खानदान में सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि महंगे से महंगा जानवर खरीदना और खानदानी कसाई को बुलवा के उससे कटवा के उसके हाथ कटवाना, और ये सब जानते हुए भी तुम यहाँ आए। वाह भाई वाह 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 भाई, जिस तरह कुर्बानी के जानवर कट कर सीधे जन्नत में जाएंगे, इसी तरह
तुम्हारे ये हाथ कट के सीधे जन्नत में जाएंगे। ये हाथ मुझे चूमने दो, ये हाथ मुझे चूमने दो, ये हाथ मुझे चूमने दो। कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मैंने तो खुद आपको फोन पे बात करते हुए सुना और अभी आप भी ये कह रहे हैं। नहीं भाई, अब क्या फायदा, तुमने दिमाग बना ही लेना है कि अब तो तुम्हारे हाथ कटेंगे और क्या फर्क पड़ता है, हाथ कटने के बाद दोबारा आ जाएंगे। वाह, हाथ कट जाए तो दोबारा आ जाएंगे, ये बाल है जो दोबारा आ जाएंगे। अरे मेरे हाथ ही है। अरे मुझे तो क्या, मेरा कहने का मतलब है, मुझे क्या पता था कि यहाँ पे ये मेरे साथ ये होने वाला है। मैं तो समझा था बड़े लोग हैं, खूब पैसा कमाऊंगा, दिहाड़ी लाऊंगा, लेकिन आपने तो मुझे कुछ और बताया। प्लीज मेरी अंकल मदद करें ना। अरे भाई, तुम तो इतने बड़े इंटरनेशनल कसाई हो, फिर डरने की क्या बात है। कद्दू का इंटरनेशनल कसाई? अरे मैं तो दिहाड़ी के चक्कर में आया था, इसलिए यहाँ रुक गया। लेकिन अब आप बता रहे, अंकल कुछ तो मदद करें ना मेरी आप। ठीक है, दिहाड़ी की बात करते हो तो मैं तुम्हारी दिहाड़ी की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानी तुमने तो इस खानदान का दस्तूर है, दस्तूर है इन लोगों का भाई। ढूंढो ढूंढो रे साजना, है ये काम चोर यहां सो रहा है। अब पता चलेगा इस काम चोर को। हैं? गाय भी? तुम्हें बताया तक नहीं कि बकरे के साथ गाय भी है? अब तो तुम्हारा काम बढ़ गया, बकरा भी कटेगा, गाय भी कटेगी, और साथ साथ मेरा हाथ भी। बहुत खूब, बहुत समझदार हो, तुम्हारे जैसा समझदार मैंने देखा नहीं। आधार? अबे ये क्या आधार? लाखों की दिहाड़ी दे रहा हूँ और कह रहा है ये क्या आधार? अबे इसे तू बेचेगा तो लाखों रुपए मिलेंगे। आधार तो मैं भी रखूंगा ना, इसे बेच के मुझे कसाई को भी पैसे देने ना। ना, मैं खुददारी नहीं करूंगा। हाँ, अब मेरी बात मान वरना तेरा हाथ पुछक तू, पुछक तू, पुछक तू। बहुत बड़ी गाय है, बहुत बड़ी गाय, बहुत गोश निकलेगा भाई। बकरा अबे अबे ओ ओ भाई, अबे सो रहा है तू बड़ा भाई यहाँ पे? नहीं नहीं अंकल, अभी 2 मिनट पहले ही लेटा हूँ, आँख लग गई। अबे झूठ बोल रहा है, मेरे सामने मैंने खुद देखा है तुझे, और तेरे खर्राटे सुने हैं मैंने खुद। सो रहा था यहाँ पर तू? अबे अगर ये कोई बकरा ले जाता तो क्या होता? और बकरे के गले से हार कोई हार कोई हार अरे
आखिर आपके होते हुए बकरे के गले से मेरा हार कैसे चोरी हो गया? बेगम, आप यकीन कीजिए मेरी बात का कि मैं बकरे के सामने से एक मिनट के लिए भी नहीं हिला हूं। बस बस, कुछ नहीं सुनना मुझे, मुझे मेरा हार वापस चाहिए या फिर उसकी कीमत। जब तक मेरा हार नहीं मिलेगा इस घर में कुर्बानी नहीं होगी, कह दे रही हूँ मैं। और वो जानी को भी बता दो, कहाँ है वो? उस्ताद, 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 कमरे में भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। लो जी, चोर भाग गया और कसाई खुद चोर निकला। ये तो अच्छा हुआ कि वो हार चुरा के भागा। अगर कहीं वो बकरा चुरा के भागता तो तानी बेगम आपकी इज्जत का तो कबाड़ा हो जाता। मगर मामा, वो कसाई तो इतना खानदानी था, वो कैसे चोरी कर सकता है? अरे मेरे बच्चा, बहुत सारे लोग खानदानी जो होते हैं वो भी नंबर दो होते हैं। मुझे तो पहले ही पता था ये कसाई नंबर दो था। बहरहाल कुछ भी हो, मुझे मेरा हार वापस चाहिए या उसकी कीमत। कह दे रही हूँ मैं आपसे, मेरा हार ढूंढे, इस घर में कुर्बानी नहीं होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। जी, जी। सर जी, अब क्या करें? मेरा ख्याल है हमें अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अगर इस घर से निकाले गए तो घर जैसा मजा सिर्फ जेल में मिल सकता है। कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ। गुलाम साहब, आप पे तो कयामत टूट पड़ी है। अगर ये मैं वीडियो तानी बेगम को दिखा देता तो आज ही आप इतना लीलाए हो जाते। हाँ। बहुत ही काम चोर है आप। यकीन करें, मेरी ईमानदारी को दाद दे, अगर मैं ये वीडियो किसी को दिखा देता तो फिर पता चलता आपको। इसके पीछे भी कोई चाल होगी। लाहौल वाला कुवत, एक तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ताकि तुम इस मसले से निकलो, और ऊपर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। कैसा जमाना आ गया, भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कोई ऐसी तरकीब बताऊं जिससे पैसे हासिल हो और कल ईद से पहले तुम्हारे हाथ में रकम आ जाए और तुम हाथ खरीद सको। लेकिन मेरा क्या है, मैंने तो आइडिया दिया, नहीं मानते तो जाओ, मैं जा रहा हूँ। बैठ जाए। मेरा मतलब ये है, आपने जो प्लान सोचा है वो तो बता दे। तो ठीक है, फिर मैं प्लान बता रहा हूँ, गौर से सुनो और किसी को नहीं बताना। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद।